वेलकम चिल्ड्रन, वीडियो की स्टार्टिंग कर रहा हूँ इस कमेंट के साथ जो भेजा है मोहम्मद अशरफ जी ने। सर, अगर मैं 80 नंबर में से 17 नंबर आ जाएं तो क्या मैं पास हो जाऊँगा? अशरफ जी, आपने क्वेश्चन सही पूछा है, लेकिन आपने अपनी क्लास मेंशन नहीं की है। तो भैया, अगर तुम क्लास 10th में हो तो 10th का रूल ये है कि तुम्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल यानी इंटरनल असेसमेंट में मिला के 33% लाने हैं। तो 17 नंबर अगर तुम्हें यहाँ मिल गए हैं, तो अगर तुम्हें 16 नंबर भी मिल जाते हैं और वो मिल ही जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में, तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन अगर तुम क्लास 12th के स्टूडेंट हो अशरफ, और तुम बता रहे हो कि मेरे 80 में से 17 नंबर हैं, तो लिख के ले लो, आप फेल हो भैया। आपको कंपार्टमेंट मिलेगी, अब आपको कंपार्टमेंट वाला पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12th में थ्योरी में अलग पास होना और प्रैक्टिकल में अलग पास होना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ वो है ओबी अपू। सर, अगर मार्क्स थोड़े कम हैं तो हमें साइंस स्ट्रीम मिल जाएगी? देखो, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज़, ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। CBSE की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है कि इतने परसेंटेज आएंगे तो बच्चे को मैथ्स मिलनी चाहिए, इतने परसेंटेज आएंगे तो ये मिलना चाहिए, बायो मिलना चाहिए, ऐसा कोई कहीं पर रूल नहीं लिखा, ठीक है। पर हाँ, कुछ स्कूल्स अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इस तरह से एडमिशन लेते हैं, तो ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। मैंने ऐसे भी स्कूल देखे हैं जो बहुत कम मार्क्स थे बच्चे के मैथ साइंस में, फिर भी बच्चे को मैथ साइंस दे दिए, और ऐसे भी स्कूल्स मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स होने पर ही बच्चे को 11th में मैथ साइंस देते हैं, तो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ट्रिकर स्पाई का। सर, अगर मैं मैथ्स में फेल हो जाऊँ बट मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो बचा लेगा? भाई, अगर तुम क्लास 10th में हो तो 100% बचा देगा, लड्डू बांट दो यार। भाई, एडिशनल सब्जेक्ट का यही तो काम है, यही तो फायदा है। इसीलिए हम सबको समझाते हैं कि अगर आप क्लास 10th में हो तो एक एडिशनल सब्जेक्ट लेके चलो, अगर तुम्हें डर लग रहा है किसी सब्जेक्ट में तुम फेल हो सकते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमेंट है थोड़ा अजीब सा है। BTS लिखते हैं, हेलो, मेरे को मेरी दी का कॉल आया, शी सेड रिजल्ट्स आर आउट फॉर क्लास 10th एंड राइट नाउ आई एम डैम स्ट्रेस्ड आउट अबाउट रिजल्ट, क्योंकि मैं साइट्स पर जा रही हूँ चेक करने तो वहाँ शो नहीं हो रहा। तो भैया, आपको ये कहूँगा, छोटी बच्ची हो क्या? अरे, दीदी के कहने पे ही जा रही हो? कौन सी दीदी है जो आपके साथ मजाक कर रही हैं? ऐसी दीदी के चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो, ठीक है। हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो चिल्ड्रन, आप देख रहे हो रिजल्ट का ड्रामा आज कल परसों, वैसे तो रिजल्ट आने में ही है, ये लिख लो, आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। फिर भी अगर आप एक ऐसा ऐप चाहते हो कि सर जैसे रिजल्ट आए मैं, मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए, इस तरह से चक्कर में ना पड़े जैसे ये दीदी लिख रही है, तो उसके लिए ऐप जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और उसका जो लिंक है वो मैंने पिन भी कर दिया है। अभी जाओ, अभी जाके एनरोल कर लेना। इसके अलावा ये ऐप हर क्वेश्चन का आंसर आपको विद इन 60 seconds दे देगा, ठीक है। आपको बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचना रहेगा और भेजना होगा। आप NTSC की तैयारी कर रहे हो, नीट की, IIT की, क्लास 6 से लेके क्लास 12th में हो, मैथ्स में, साइंस में, किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी आ रही है, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, भेज दीजिए, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए कि सर रिजल्ट आया है या नहीं, इस ऐप को अभी डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और मैंने पिन भी कर दिया है। अब बात करते हैं मुद्दे की कि भैया रिजल्ट पे आखिर चल क्या रहा है, सर आपकी क्या राय है, हमने औरों की राय तो देख ली है। तो चिल्ड्रन, जब भी CBSE रिजल्ट देने वाली होती है अपडेट स्टार्ट कर देती है। मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने परसों डाला था उसमें बताया था कि 9 मई को भी CBSE ने अपनी वेबसाइट पर काम किया और उस पर लिखा भी आ रहा है अपडेटेड लास्ट 9th मई, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज़ अच्छी होने वाली होती है तो जो फेक लोग हैं, फेक वेबसाइट्स हैं, फेक लिंक है, वो भी एक्टिवेट होते हैं। अब क्या हुआ है कि एक फेक लिंक बड़ा सर्कुलर हो रहा है, सर्कुलर की फॉर्म में आया, उस पर CBSE का लोगो भी लगा हुआ है, सब कुछ। CBSE ने खुद सामने आके उसको ये कहा है कि भैया ये फेक है और उसमें जो डेट दिखाई जा रही है वो 15 मई है। अब आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर आपने भी तो कहा था कि 15 मई है। हम आपको स्पेक्यूलेशन, एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं कि 15 मई के आसपास, 14 मई को आ जाए, 16 मई को आ जाए, लेकिन वो सर्कुलर फेक क्यों? क्योंकि वो CBSE ने नहीं दिखाया, ठीक है, CBSE ने नहीं लगाया। अब जो टाइम्स नाउ की अगर आपको रिपोर्ट दिखाऊं, जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी टाइम्स नाउ, तो ये तक कह रहा है कि आज तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, और अच्छा खासा मीडिया हाउस है, कोई छोटा मोटा मीडिया हाउस है नहीं। तो चिल्ड्रन, बस आपके लिए यही कहूंगा कि जो ऐप दे रहा हूं उस ऐप को अभी जाके डाउनलोड कर लेना, जैसे ही कोई भी अपडेट निकल के आता है, नोटिफिकेशन आता है, तुरंत आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में
तो यार मुझे जरूर बता देना। वैसे रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा आने वाला है, नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स इस बार बढ़ गए हैं, ठीक है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई शंका है, तो भाई तुम्हारा भाई यहाँ बैठा है आपके क्वेश्चन का आंसर्स देने के लिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने पिन भी कर दिया। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।